एक भांजा जिसने सरकार हिला दी, एक भांजा जिसने देश हिला दिया, लाल लाल ईंटों से हरे हरे करोड़ नोटों तक, किराए के मकान से करोड़ों के महल तक, छह महीने में भांजे ने क्या क्या किया, दस करोड़ की घूस तो सिर्फ नमूना है। प्रमोशन के नाम पर कितने करोड़ों का बिजनेस फैला है, रेल मंत्री के भांजे की कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज इंडिया टीवी आपको दिखाएगा कहानी भांजे विजय सिंगला की। कल रात से आप खबर देख रहे हैं कि रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे पर 90 लाख की घूस लेने का आरोप है। पूरी डील करीब 10 करोड़ रुपए की होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन क्या आपको आरोपी भांजे की असली कहानी मालूम है? आखिर कौन है विजय सिंगला, जो इंसान 15 साल पहले मिट्टी के टुकड़े टुकड़े को ईंट की शक्ल देकर कारोबार करता था, आज वो 10 करोड़ की घूस मांगने के मामले में कैसे फंस गया? इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने एक एक कर आएंगे। सबसे पहले देखिए सिंगला की अकूत दौलत का एक छोटा सा नमूना। धूल मिट्टी से दिल्ली की चमक तक, छोटे कारोबारी से बड़े बड़े मॉल के मालिक तक, यह हैरान कर देने वाली कहानी है रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे की, जो सिर्फ 15 साल में मिट्टी की जगह शीशे के मॉल के मालिक बन बैठे हैं। इंडिया टीवी ने सिंगला की अकूत दौलत की पड़ताल की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। ये चंडीगढ़ के सबसे पॉश इलाकों में से सेक्टर 28, यहाँ कोठी और बंगलों की कीमत करोड़ों में है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और चंडीगढ़ के नामी रईस इसी सेक्टर 28 में रहते हैं। मेरे पीछे जो आप महलनुमा मकान देख रहे हैं वो पवन बांसल के भांजे विजय सिंगला का है। विजय अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। उनके परिवार में उनका एक भाई और माता पिता उनके साथ इसी घर में रहते हैं। इस घर को सिंगला का महल कहें तो गलत नहीं होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में सिंगला का आलिशान घर किसी अरबपति बिजनेसमैन की रिहाइश की तरह है। चार केनाल में फैला हुआ है सिंगला का ये आलिशान महल। चार केनाल यानी करीब 21,598 वर्ग फीट। इसी घर से सिंगला को गिरफ्तार किया गया है। आप इस घर की कीमत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 28 में जब हमने पता किया तो पता चला कि एक केनाल की कीमत 8 करोड़ रुपए के करीब है, यानी करीब 32 करोड़ रुपए के आसपास इस मकान की कीमत आंकी जा रही है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि ये आशियाना हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कहीं विदेश में बना हुआ हो। ये मकान जितनी महंगी जमीन पर बना हुआ है उतनी ही महंगी नक्काशी का काम मकान के अंदर बताया जा रहा है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें विजय सिंगला की चार कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऑफिस हैं और चंडीगढ़ के बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनियों के पास है। 15 साल पहले एक भट्टा चलाने वाला सिंगला चार कंपनियों के मालिक है। सिंगला दो कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, मिराज इंफ्रा लिमिटेड और जगत इंफ्रा लिमिटेड। इतना ही नहीं, सिंगला के रसूख के चलते वो कई कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपने पास रखते हैं। बताया जाता है कि चंडीगढ़ की कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों में सिंगला की हिस्सेदारी भी है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ चंडीगढ़ के एक से बढ़कर एक मॉल बने हुए हैं और चंडीगढ़ में सबसे महंगा एलांटे मॉल भी यही बना हुआ है। यहाँ और इसके आसपास की जमीन हिंदुस्तान की सबसे महंगी जमीनों में शुमार है और इसी जगह पर ये विजय सिंगला का भी मॉल है, एक्रोपोलिस। यह है चंडीगढ़ के दिल में बना एक्रोपोलिस मॉल। 3.97 एकड़ में बने इस मॉल के मालिक हैं विजय सिंगला। जिस इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के मालिक है सिंगला, उसी कंपनी ने इस आलिशान मॉल को भी बनाया है। इस मॉल की बाजार की कीमत 1,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। विजय सिंगला ने 100 एकड़ जमीन खरीदी है। डेराबस्सी में हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम जोरों पर चल रहा है। यहाँ औसतन एक फ्लैट का दाम 30 से 35 लाख है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट बनाकर बेचने से विजय को कितना फायदा होने वाला है। बताया जाता है कि इस वक्त सिंगला अरबों की जमीन के मालिक है। जब मामा पवन बंसल ने रेल मंत्रालय संभाला तब सिंगला के जमीन की खरीद फरोख्त का दायरा भी बढ़ गया। हाल ही में सिंगला ने चंडीगढ़ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर 100 एकड़ जमीन खरीदी।
इस जमीन से सोना उगलवाने का प्लान बनाया सिंगला ने। इस 100 एकड़ जमीन की कीमत है 300 करोड़ रुपए, जहां वो अपने सपनों की सोसाइटी बनाना चाहते थे। जिस डेराबस्सी में सिंगला ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन खरीदी, उस जगह का उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया गया। ये सब कुछ सिंगला की जिंदगी में मामा पवन बंसल की राजनीति में ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हुआ। सिंगला ने स्कूल चलाने का भी सपना देखा। पंजाब के जीरकपुर में 36 एकड़ जमीन पर सिंगला के स्कूल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ भी सिंगला विवादों में आए। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन हड़पी गई है और जमीन की मिट्टी के भाव की मत दी गई। गजीपुर गांव की पंचायत ने सिंगला के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया है। भले ही सिंगला पिछले 15 सालों से तरह तरह के कामों से अपनी दौलत बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके करीबियों की माने तो सिंगला की दौलत ने पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वही 6 महीने हैं जब पवन बंसल केंद्र में रेलवे मंत्री बने। ये पूरी कहानी किसी भी जांच एजेंसी के कान खड़े करने के लिए काफी है। जगदीप संधु, इंडिया टीवी। आप सोच रहे होंगे कि मामा पवन कुमार बंसल और भांजे विजय सिंगला का रिश्ता तो 40 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो अब जाकर विजय सिंगला इस रिश्ते का फायदा कैसे उठा रहे हैं। पवन कुमार बंसल तो यूपीए के पुराने मंत्री हैं। इस पूरे समीकरण को समझने के लिए आपको भांजे विजय सिंगला की कहानी की शुरुआत समझनी होगी। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर बिल्कुल चिकन नहीं और जुबान पर एक ही बात, कोई गल नहीं, यानी कोई बात नहीं। ये हैं पवन बंसल की बहन के बेटे विजय सिंगला। वो विजय सिंगला जो 15 साल पहले आम आदमी की जिंदगी गुजारते थे। 15 साल पहले तक विजय सिंगला पंचकुला के सेक्टर 7 में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। ईंट बनाने का कारोबार था। विजय के पास न तो अकूत खानदानी पैसा था, न कोई पुश्तैनी बिजनेस। फिर अचानक 15 साल में इतनी दौलत कैसे बनी? सोचिए, जो विजय सिंगला ईंट के कारोबार में एक मामूली व्यापारी थे, आज उन्हीं विजय सिंगला पर रेलवे में प्रमोशन करवाने के लिए 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। विजय ने 15 साल पहले ईंट के भट्टे का काम शुरू किया तो धीरे धीरे जमीन की खरीद फरोख्त में भी हाथ अजमाने लगे। विजय ने पैसे से पैसा बनाने के लिए कई कारोबार किए, जिसमें से बेकरी का काम भी शामिल था। हालांकि मॉडर्न बेकरी के नाम से खोला गया यह बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन विजय का कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में खूब नाम है। पवन बंसल 2004 में चंडीगढ़ से सांसद बने, उसी जगह से जहाँ विजय सिंगला के नाम बेशुमार दौलत है। पवन बंसल के एमपी बनने से पहले सिंगला की ये ठाट बाट नहीं थी। साधारण सा घर था और छोटा मोटा बिजनेस था, लेकिन असली बिजनेस चमका मामा के मंत्री बनने के बाद ही। 1995 से 2000 के बीच पवन बंसल दिल्ली में राजनीति की ऊंचाइयों को छू रहे थे और विजय सिंगला चंडीगढ़ में बैठे बैठे बिजनेस पर बिजनेस खड़ा कर रहे थे। करोड़पति बनने के बाद भी विजय बेहद लो प्रोफाइल रहते थे, पब्लिक में वो कभी नजर नहीं आते। यहाँ तक कि जब मामा पवन बंसल रेलवे मंत्री बने, तब भी वो कैमरे के सामने नजर नहीं आए। विजय चंडीगढ़ में पहली बार उस वक्त काफी चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी एस क्लास मर्सिडीज के नंबर के लिए 360,000 रुपए की बोली लगा दी। ये नंबर था 0001। दबी जुबान से सिंगला की तरक्की की बात फैलने लगी, मीडिया में खबरें आने लगी। सिंगला के रसूख की चर्चा हर तरफ थी। कई लोग तो ये कहते हैं कि रेल मंत्रालय दिल्ली में था, लेकिन असली काम चंडीगढ़ में होता था। सिंगला का रेल मंत्रालय में अच्छा खासा दखल हो गया था। सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी सिंगला से मिलने आते थे, लेकिन मंत्री से रिश्ता होने की वजह से कभी भी सिंगला पर किसी ने हाथ नहीं डाला। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। विजय सिंगला की कामयाबी और पैसे के पीछे आज पवन कुमार बंसल को माना जा रहा है। हालांकि पवन कुमार बंसल इन सब से इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि विजय सिंगला के पीछे रेल मंत्री का नाम जुड़ रहा है तो क्यों? मामा और भांजा, महाभारत काल से इस रिश्ते पर कहानियां बनती आ रही हैं। अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ गया है रेलवे मंत्री पवन बंसल और विजय सिंगला का। 65 साल के मामा पवन बंसल और करीब 40 साल के भांजे विजय सिंगला। कहने को तो ये रिश्ता 40 साल पुराना है, लेकिन ये रिश्ता असल में परवान चढ़ा 2004 के बाद से, जब पवन कुमार बंसल 14वीं लोकसभा में चंडीगढ़ से सांसद चुने गए। सूत्रों की माने तो पवन कुमार बंसल के पूरे चुनाव की धुरी और कारोबार का जिम्मा उनके भांजे
विजय सिंगला के ही कंधे पर है। ये विजय सिंगला की मेहनत ही थी कि 2004 के चुनाव में पवन कुमार बंसल भारी बहुमत से जीत कर आए थे। तीसरी बार जीते बंसल अब तक कांग्रेस के लिए भरोसेमंद बन चुके थे। इसी आधार पर पवन कुमार बंसल शहरी विकास के लिए बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य बने, तो दूसरी ओर विजय सिंगला अपने मामा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद बन चुके थे। कहा जाता है कि विजय सिंगला का कारोबार भले ही चंडीगढ़ से चलता हो, लेकिन मामा के तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद से वो ज्यादातर दिल्ली में मामा पवन कुमार बंसल के ऑफिस के ही किसी कमरे में नजर आते थे। कहते हैं सिंगला को इससे फायदा भी पहुंच रहा था। मामा का दखल संसद के गलियारों में था, तो वहीं मामा की वजह से ही सिंगला के संबंध कई रसूखदार लोगों से बनते चले जा रहे थे। पवन कुमार बंसल और सिंगला को अच्छी तरह से जानने वाले लोगों की माने तो असल मायनों में सिंगला को असल मायनों में ऊंचाई 29 जनवरी 2006 को मिली। उसके बाद तो चंडीगढ़ में सिंगला का रंग ढंग ही बदल गया। कहा जाता है कि पूरे चंडीगढ़ में फिलहाल विजय सिंगला से मिलने का मतलब आप केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल से मिल रहे हैं, लेकिन आज सिंगला जिन ऊंचाइयों पर पहुंच गए, इस चरम की शुरुआत हुई 28 अक्टूबर 2012 के बाद, जब पवन कुमार बंसल के हाथ में रेल मंत्री का पद आया। सूत्र बताते हैं कि उसके बाद तो सिंगला अक्सर रेल मंत्रालय के सचिव के कमरे में नजर आने लगे थे। वहीं से वो अपने बिजनेस की बड़ी बड़ी डीलिंग करते थे। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर रेल के टेंडर में भी सिंगला को सबसे अहम माना जाने लगा था, जिसके बाद वो खबर आई जिससे आज संसद के गलियारों में तूफान खड़ा हो गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस पद के लिए 10 करोड़ के घूस देने की बात सामने आ रही है, आखिर उस पद में ऐसा है क्या जिसके लिए इतने पैसे घूस में दिए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं इस पद की असली कहानी। भारतीय रेल के कामकाज को बेहद करीब से जानने वाले हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि मेंबर इलेक्ट्रिकल वो पोस्ट होती है जो सालाना कई हजार करोड़ रुपए के तो सिर्फ ठेके और टेंडरिंग निकालती है। इसके अलावा विदेशी नीति और विदेशी तकनीक को भारतीय रेलवे में लागू करना भी इसी विभाग का जिम्मा होता है। यानी मोटे तौर पर अगर मेंबर इलेक्ट्रिकल ने 1000 करोड़ का भी ठेका दिया तो 300 करोड़ की रकम कमीशन में दिए जाने का रेलवे में रिवाज है, ऐसा रेल सूत्रों का कहना है। इतना ही नहीं, मेंबर इलेक्ट्रिकल के पास देश भर में डिविजनल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, तकनीकी अधिकारी, रेलवे सिग्नलिंग कर्मचारी और अधिकारी, लोको अधिकारी सहित इलेक्ट्रिकल विभाग से जुड़े अधिकारियों की पोस्टिंग, तबादला और प्रमोशन करवाने की भी पावर होती है। नई लोकल ट्रेन हो या फिर लंबी दूरी की मेल ट्रेन, सभी को खरीदने की पावर भी इसी विभाग के पास होती है। एक ट्रेन की औसतन उम्र 35 साल होती है। इसके अलावा डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल इंजन में तब्दील करने और खरीदने की पावर भी इन्हीं के पास होती है। इसके अलावा इस विभाग के पास कई और रूटीन प्रोसेस भी होते हैं, जिनका छोटा बड़ा ठेका मिलाकर सालाना देश भर में कई सौ करोड़ के ठेके ये विभाग सैंक्शन करता है। कुल मिलाकर ये पोस्ट चेयरमैन के बाद दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर और अहम पोस्ट होती है। यानी जो भी अधिकारी मेंबर इलेक्ट्रिकल होता है उसको आगे चलकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, और यही वजह है कि मेंबर इलेक्ट्रिकल बनने का सपना हर रेलवे के आला अधिकारी का होता है। आशीष सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सिंगला घूस कांड में सबसे अहम नाम है महेश कुमार का, वो महेश जिन पर घूस देने का आरोप है। आखिर कौन है ये महेश कुमार? रिश्वतखोरी केस में सीबीआई के शिकंजे में फंसे महेश कुमार 1975 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर हैं। महेश कुमार ने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। सितंबर 2011 में उन्हें पश्चिमी रेलवे का महाप्रबंधक बनाया गया। उनके अधीन मुंबई सेंट्रल से लेकर भावनगर तक 6 डीआरएम थे। 1 मई को उन्हें रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया गया, जो भारत सरकार के सचिव के रैंक का अधिकारी होता है। सीबीआई की टीम ने उनका पीछा करना तब शुरू किया जब अहमदाबाद के डीआरएम को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि महाप्रबंधक महेश कुमार के दफ्तर ने बड़े ठेके पास करने के एवज में मोटी रकम ली है। इसके बाद सीबीआई ने महेश कुमार के दफ्तर और घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। सीबीआई ने महेश कुमार के फोन की ट्रैकिंग भी शुरू कर दी। ये नंबर थे महेश कुमार का मोबाइल नंबर 0900444, घर का नंबर 2352 और ऑफिस का नंबर 2352।